नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेल विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। विभाग ने मंदिर में विराजमान भगवान बजरंगबली को नोटिस जारी किया है। सबसे हैरत की बात यह है कि रेलवे ने इस नोटिस में बजरंगबली को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए 7 दिन में अतिक्रमण हटाने को भी कहा है। साथ ही रेलवे की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई है कि अतिक्रमण न हटाने पर रेलवे जबरन कार्रवाई करेगा और जेसीबी आदि के खर्च की वसूली बजरंगबली से होगी। चित्रकूट जिला जेल रगौली को प्रदेश सरकार सबसे सुरक्षित मानकर बाहुबली और माफियाओं को यहां भेजती है, लेकिन इस प्रकरण ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी कई दिनों से पत्नी के साथ घर की तरह रह रहा था। श्रीलंका के तमिल बहुल दाफना में भारत सरकार के सहयोग ने बनकर तैयार हुए दाफना सांस्कृतिक केंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सांस्कृतिक केंद्र दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। भारत पहली बार आयोजित हुए Y20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशियाई प्रतिनिधि को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के काम करने का अंदाज इस कदर पसंद आया कि उन्होंने दुनिया भर के युवा नेताओं के लिए अनुराग ठाकुर को आदर्श बताया है। शिक्षा अधिकारियों ने DPC में अप्रत्याशित देरी को लेकर अब बीकानेर में जयपुर पैदल कूच करने का निर्णय लिया है। शिक्षा अधिकारी 14 फरवरी से पदयात्रा निकालेंगे और 21 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बता दें कि 12 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, जिसमें गुलाब चंद कटारिया की भी नियुक्ति हुई है। गुलाब चंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी से एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री हैं। भारत अमृत यात्रा की दिशा में आगे बढ़ते हुए विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में जुटा हुआ है। वहीं जीवन की मूलभूत आवश्यकता में जल की अहमियत अधिक बढ़ जाती है। भारत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अमृत काल की 2047 तक की यात्रा में वाटर विजन 2047 का ऐलान किया है। इसके जरिए जन जन की भागीदारी से जल की मांग पूर्ति, कुशल उपयोग और जल के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में शहजादा का लेटेस्ट गाना कैरेक्टर ढीला 2.0 रिलीज किया गया है। कैरेक्टर ढीला 2.0 ने YouTube पर धमाल मचा दिया है। कार्तिक आर्यन के इस गाने ने YouTube पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया है। बता दें कि कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके इस गाने को लेकर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज की जानकारी दी है। कार्तिक आर्यन ने बताया कि कैरेक्टर ढीला 2.0 ने YouTube पर पिछले 24 घंटों में वर्ल्ड वाइड 50 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। मदनी RSS चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा, तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने चेन्नई से रानीपेट नेशनल हाईवे की खराब हालत का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उन्हें कुछ जिलों के दौरे के लिए ट्रेन से सफर करना पड़ा। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में।